有人。你妈妈也是。ऐसे वाला है चाहत कसम नहीं है लेकिन एक सेकंड कहां चलते प्यार की आई कांट डबल दूर हो गया ठीक है थोड़ा दूर हो गया हल्का दूर ये थोड़ा ये जो है ना दूरी दूरी बनाई नहीं ना लो कहां से लो सो हे माय यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब भाई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपको भाई फिर से आ गए कि न्यू वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो गाइज मैं आया हूँ बिहार से आपको पता ही होगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक तरकता भरकता प्रैंक किया जाए। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रोमांटिक टाइप का प्रैंक करूँ। तो अभी मैं फिलहाल घर पे ही हूँ और आपको पता नहीं होगा शायद रितिका के ब्लॉग में आप देख लो। मैं ना रितु को लेके आ गया हूँ डॉगी जो था उसको लेके मैं यहाँ पे आया क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। मतलब सब सारे लोग जॉब पे चले जाते हैं मतलब घर पे कोई नहीं रहते हैं। मम्मी भी जॉब पे चले जाते हैं पापा भी जॉब पे चले जाते हैं रितिका के और भाई भी मतलब कॉलेज वगैरह जाते हैं रितिका भी स्कूल चली जाती है। इस वजह से मुझे यहाँ पे लाना पड़ा। तो मैं अभी छत पे लाया हूँ उनको घुमाने के लिए उधर बांध दिया मैंने। तो रितिका बोल रही थी कि यार मुझे ना देखना है यार क्योंकि परसों तरसों लेके आया हूँ मैं और कल गया था मैं प्रैंक के चक्कर में सीपी। तो प्रैंक मेरा नहीं हो पाया प्रैंक फेल हो गया। आ रहा हूँ। तो गाइज मैं मतलब रितिका बोल रही थी कि मुझे देखना भी है तो मैंने बोला चलो आ जाओ छत पे मैं इनको बांध दिया अभी। तो जैसे वो आती है देखो वीडियो में मजा आएगा भाई। तो वीडियो में बने रहो एंड भाई कैमरा वाले भैया छुपा के लगा ले भैया करेजा छुपा के लगा लो दिखना नहीं चाहिए ठीक है। A few moments later. So guys, यार रितिका का भी फोन आया था तो अभी वो आ रही है ऊपर ही। मैंने बोला कि मैं डॉगी घुमा रहा हूँ तो देख वीडियो बने रहो बस आप सब मजा आएगा। क्या है किधर देख रही है? हेलो उसको हेलो करो यार आपसे तीन दिन से वो बिछड़ा पड़ा है। भोग रही है। आपने इसको पता है इतने दिन से आपसे दूर था बेचारी ये पता है पूरे दिन मत इसको ना कभी कभी रात मैंने इसको सपना आया था। अरे मैं देख रहा था वो सपने में तू बोल रही कैसे कर रही थी देख तो कैसे कर रही थी मतलब ऐसे पकड़ रही थी। मैंने बोला क्या हुआ रितिका भोग रही थी सच में यार। नीचे रख दे तूने इसको इसका ना पूरा आदत बिगाड़ दिया। घर में टट्टी कर रही घर में पेशाब कर रहा है कहाँ से साफ करूंगा मैं इसको। मैं तो बाहर करवाती थी आप ही करवा रहे अंदर। कल मेरा मन कर रहा था बेच दूं इसको मैं। अच्छा मैं बता रही हूँ बेच मत देना चलती बाद मैं इसे खुद ले जाऊंगी अभी घर पे नहीं रहती ना। अरे यार मुझे ना मतलब भाई मैं जिंदगी में ये सब चीजें पालन नहीं हूँ। छोड़ दे मुंह बाबरा है इसको मैं बांध कहूँ वहाँ पे जाओ बांध। I can't double it. क्या कर रही है? क्यों हो रही? तू मार मेरे को। कैसे वाला है? अरे इसे। क्या? क्या हुआ? चक्कर आ गया? अच्छा सुनो तुम इधर आओ थोड़ा पास में आओ यार इतने दिन बाद मिल रहे हो पता नहीं चल रहा है क्या हुआ। हाँ भोग तू बीच में भोग तू ले आओगे? नहीं। हाँ तो अरे यार छोड़ो ना बीच में। अरे क्या इतने दिन बाद तो आया हूँ यार थोड़ा प्यार से बात कर लो थोड़ा क्लोज हो के। मैं कह रहा था कि कैसा लग रहा था मेरे बगैर? बेकार लग रहा था सच में। तो मेरे को बताना चाहिए था ना कि बेकार लग रहा है। बोला तो आपको मैंने और बताऊं कैसे कट रही थी मेरे बगैर जिंदगी एकदम बेकार। अच्छा आपने मेरे को आई लव यू वगैरह नहीं बोला यार प्रपोज करो यार इतने दिन हो गए। बोला तो था। कब बोल दिया जब आपने फूल लेके प्रपोज किया था। अरे आपने नहीं किया ना प्रपोज मैंने तो प्रपोज किया तो आपने तो नहीं किया। ये लो थोड़ा प्यार से करो यार ऐसे फील मतलब वो पूरा फील आना चाहिए फील। फोन पकड़ो। हाँ बोलो सुधार।
यस लव यू टू। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, और बताओ याद आ रही थी मेरी? बहुत ज्यादा। क्या मतलब क्या याद आ रही थी? आप बोल रहे हाँ याद आ रही थी। क्या याद आ रहा था मेरा? मतलब कोई ख्याल, कोई कुछ? आपकी याद आ रही थी आपकी। मतलब किस कोई बात थी? मिस यू टू। आपकी स्माइल को मिस कर देते हैं, इसी स्माइल को। आज धूप में क्यों खड़े हो यार इतने? अरे यार धूप में देखो, पता है क्या, धूप में मैं सोच रहा हूँ घर में ऐसे मतलब गर्म सा था मैं, यहाँ पे थोड़ा गर्म हो रहा हूँ, ये गर्म और आ गया क्या? तो मतलब वो टक्कर हो रहा है फिर। गरम हॉट। क्या हो गया बेटा, तू बीच में डिस्टर्ब कर रहा है बार बार? इधर आओ ना थोड़ा। क्या गर्मी लग रही है मेरे को? इधर आओ। गर्मी लग रही है तो दूर रहो ना। हैं क्यों गर्मी लग रही है तो दूर रहो ना। देख यार मैंने आपको बहुत मिस करा यार। मैं भी बहुत मिस करा यार, बहुत ज्यादा मिस करा मैं भी यार, बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा मिस करा, बहुत ज्यादा। अरे अरे बस भाई, बस भाई, बस भाई, अरे बस यादें आ रहा था यार कि मतलब कैसे होंगे आप, नहीं होंगे, मेरा मन भी नहीं लग रहा था। मैं भैंस धो रहा था लेकिन आप पे ध्यान था। धो रहा था भैंस लेकिन आप पे ध्यान था मेरा। फोटो खींचे थोड़ा और क्लोज हो ना। अरे पागल पागल हो गया, ऐसे कर लो। हाँ नॉर्मल वाले ले लो, नॉर्मल वाले नहीं। अरे आपको पता कैसे हाथ इतने क्लोज? हाँ। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा आज? अरे तो दिनों बाद हो रहा है, ऐसे कैसे चेंज हो सकते हो यार। चलो लो फोटो ले ले, चलो क्लोज वाला फोटो तो लो। थोड़ा दूर हो गया, ठीक है, थोड़ा दूर हो गया, हल्का दूर, ये थोड़ा, ये जो है ना दूरी दूरी बनाई। नहीं ना रुको, ऐसे लो। अरे क्या पागल पागल है क्या? क्या पागल, इतना क्लोज क्यों हो रही है? अरे यार शर्मोरम है कुछ, छत पे सारे देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी देख रहा है, धूप पे कोई भी नहीं होता, आप ही हो। पीछे देखो वहाँ पे बुड्ढा अंकल बैठे हैं, ये देखो बैठे हैं तो मुझे क्या। अरे ठीक है ना, हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। इतना ज्यादा प्यार कहाँ से बरसा रहे, पता नहीं चल रहा है मुझे, है पता चलना चाहिए ना। इतना प्यार मत बरसाओ, ठीक है, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा इधर। मैं आपको कूदने ही नहीं दूंगी। अच्छा अच्छा, इतना ज्यादा प्यार करते हैं आप मेरे से? इसलिए लड़ाई करके भगा दिया था मेरे को दिल्ली से ना, वो थोड़ा गुस्सा हो गई थी ना। भगाता है ऐसे कौन गांड पे लात मार के भगाता है? ऐसे कौन भगाता है बताओ? ऐसे मैं भी लगा कि आप नहीं जाओगे पर आप सच्ची में चले गए। अच्छा सारी बात छोड़ो ना, आप चलो ठीक है, ऐसे ठीक है, और थोड़ा मार मैं मुँह मार दूंगा। सेट का बटन तुम खोल क्यों रही है? सेट का बटन क्यों खोल रही है? अरे मेरे को बंद बंद लग रहा है ना एकदम से, ठीक भी गया दिमाग दिमाग है। अरे अरे रुक जाना, कहाँ रुक जाऊँ, एक्चुअली मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इतना क्लोज क्यों आ रही है तू? मुझे पता है वीडियो शूट कर रहे हो, इतना क्लोज क्यों आ रही है यार? मैंने कैमरा, मैं बोल भी नहीं सकता, मतलब मैंने कैमरा देख लिया। इतना मैं बोल रहा हूँ इतना क्लोज कैसे तू आ रही है? और पता मेरे को यही डर लग रहा था भाई, वीडियो बन रही है यार, मम्मी पापा सब देखेंगे मेरे। मैं प्रैंक कर रही थी उल्टा पे, कैमरा देख चुकी थी मैं, उल्टा प्रैंक कर। चला भाई तुम पिटोगे, पिटोगे तुम, तुम्हें मैंने बोला था ना कैमरा छुपा के लगा ले यार। मैं सोच रहा था आज थोड़ा मजा, क्या मजा आया वीडियो में यार, पता नहीं क्या हुआ वीडियो में, पता नहीं चला। ठीक है तो गैस यार, चलो कोई नहीं, ये वीडियो आपकी, आप बोलो। तो फिर मुझे तो बहुत मजा आई, ये मेरे को लगी, मेरे को ऐसे लग रहा था यार ये क्लोज की आ रहा है, फिर मैं इधर उधर छानबीन करने लग गई तो मुझे मिल गया आपका सामान। चलो एक बार बोल दो, बोल दो फ्रेंड।
कैसा लगा मेरा मजाक? तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। मेरा तो जुबान ही गायब हो गया गाइस। दूर ठीक है। तो गाइस मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो बहुत ही प्यारा लगा मेरे को। मैं भी सोचा था कि यार आज गुस्सा उस्सा कुछ नहीं करेंगे, तो बाकी इनने संभाल ही लिया, पता नहीं कहाँ से देख लिया कहीं गलती थी क्या ही बताऊँ। और जहाँ लड़ाई वही प्यार है भाई। तो एंड आप इन सबको क्या बोलना चाहोगे? इन सबके वजह से हम दोनों एक हो पाए, ठीक है? थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इतना मैसेज किया, इतना मैसेज किया कि ये परेशान होके आ ही गया आखिरकार। गाइस यार देखो, आप लोग ना मेरे फैमिली के जैसे हो, और आप लोगों ने इतना ज्यादा मैसेज किया क्योंकि मैं इनका तो बात मानने वाला था नहीं। बस आप लोगों की बातों पे मुझे आना पड़ा। एंड यार इनका भी बात मानता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं, मेरे को गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि मैं जब गया तो आपने मेरे से मिला क्यों नहीं अच्छे से। यार मुझे नहीं पता था कि आप सच्ची में जा रहे हो, मतलब आप प्रैंक कर रहे हो। तो गाइस कोई नहीं, आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच, एंड इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए लव यू सो मच। ऐसे अपने छोटे भाई के ऊपर सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।